सवाल नंबर वन, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए सिक्किम, बी गोवा, सी मिजोरम, डी नागालैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सिक्किम। सवाल नंबर दो, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही जवाब है बी मुंबई। सवाल नंबर तीन, कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए केरल, बी कर्नाटक, सी असम, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है सी असम। सवाल नंबर चार, कौन सा पक्षी पीछे की ओर भी उड़ सकता है? आपके ऑप्शंस है ए कोयल, बी हमिंगबर्ड, सी मोर, डी गौरैया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी हमिंगबर्ड। सवाल नंबर पाँच, भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है डी मध्य प्रदेश। सवाल नंबर छह, शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? आपके ऑप्शंस है ए तोता, बी कोयल, सी हंस, डी कबूतर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी कबूतर। सवाल नंबर सात, किस देश में च्युइंगम खाने पर बैन लगा हुआ है? आपके ऑप्शंस है ए पाकिस्तान, बी सिंगापुर, सी चीन, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है बी सिंगापुर। सवाल नंबर एट, चंद्रयान तीन को चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? आपके ऑप्शंस है ए 21 दिन, बी 30 दिन, सी 42 दिन, डी 57 दिन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 42 दिन। सवाल नंबर नौ, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला बड़ा शहर कौन है? आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी मद्रास, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही जवाब है बी मुंबई। सवाल नंबर दस, सब्जियों की रानी किस सब्जी को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए करेला को, बी मिर्च को, सी आलू को, डी टमाटर को। इस प्रश्न का सही जवाब है बी मिर्च को। सवाल नंबर ग्यारह, मनुष्य अपने जीवन काल में कितना वर्ष सोने में बिता देता है? आपके ऑप्शंस है ए 29 वर्ष, बी 36 वर्ष, सी 45 वर्ष, डी 40 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 40 वर्ष। सवाल नंबर 12, भारत के किस शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए पटना, बी आगरा, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। इस प्रश्न का सही जवाब है सी वाराणसी। सवाल नंबर 13, किस देश में कुरकुरे पर पूर्णतया बैन लगा है? आपके ऑप्शंस है ए भारत, बी नेपाल, सी चीन, डी भूटान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी नेपाल। सवाल नंबर 14,
तर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस है ए 5 राज्यों से, बी 7 राज्यों से, सी 8 राज्यों से, डी 10 राज्यों से। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 8 राज्यों से। सवाल नंबर 15। किस देश में चप्पल पहनकर बाइक चलाना गैर कानूनी है? आपके ऑप्शंस है ए भारत, बी जर्मनी, सी श्रीलंका, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ए भारत। सवाल नंबर 16। किस देश में माचिस का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अमेरिका। सवाल नंबर 17। कौन से मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है? आपके ऑप्शंस है ए गर्मी, बी बरसात, सी ठंड, डी वसंत। इस प्रश्न का सही जवाब है बी बरसात। सवाल नंबर 18। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आपके ऑप्शंस है ए हिंदू धर्म, बी सिंधु, सी हिंदुस्तान, डी इंडस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी सिंधु। सवाल नंबर 19। नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डी होती है? आपके ऑप्शंस है ए 200 हड्डी, बी 250 हड्डी, सी 300 हड्डी, डी 350 हड्डी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 300 हड्डी। सवाल नंबर 20। कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है? आपके ऑप्शंस है ए मच्छर, बी कंगारू रेट, सी मक्खी, डी चींटी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी कंगारू रेट। सवाल नंबर 21। भूख लगने पर कौन सा जानवर अपने शरीर को खा सकता है? आपके ऑप्शंस है ए छछुंदर, बी उल्लू, सी चूहा, डी खरगोश। इस प्रश्न का सही जवाब है सी चूहा। सवाल नंबर 22। खजूर का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? आपके ऑप्शंस है ए जापान, बी इटली, सी पाकिस्तान, डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है सी पाकिस्तान। सवाल नंबर 23। चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर सकता है? आपके ऑप्शंस है ए समोसा, बी बिस्किट, सी हल्दी, डी नमकीन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी हल्दी। सवाल नंबर 24। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? आपके ऑप्शंस है ए केरल, बी हरियाणा, सी बिहार, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ए केरल। सवाल नंबर 25। हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस है ए काजल, बी आकांक्षा, सी रेशमा, डी सविता। इस प्रश्न का सही जवाब है सी रेशमा। सवाल नंबर 26। किस फल को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है ए अमरूद, बी लीची, सी जामुन, डी केले। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अमरूद को।
सवाल नंबर 27। फूलों की घाटी किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस है ए भारत, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु, डी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी उत्तराखंड। सवाल नंबर 28। दूध में गुड़ मिलाकर पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपके ऑप्शंस है ए अनीमिया, बी ब्लड प्रेशर, सी बवासीर, डी डायबिटीज। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अनीमिया। सवाल नंबर 29। किस जानवर को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? आपके ऑप्शंस है ए हाथी, बी शेर, सी शार्क, डी जंगली भेड़िया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी जंगली भेड़िया। सवाल नंबर 30। ज्यादा चावल खाने से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस है ए कैंसर, बी कब्ज, सी अल्सर, डी शुगर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी शुगर।